कार्तिक दिल्ली कॉलेज में सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर सिंधिया पवेलियन का शुभारंभ किया। आपको बताना चाहेंगे कि यह स्टेडियम 1910 में उनके परदाता ने स्थापित किया था, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसी मैदान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रिकेट खेला और पत्रकारों से बात करते हुए मैदान की तारीफ की, साथ ही दिल्ली कॉलेज प्रशासन को इस कार्य को करने की बधाई भी दी। जब उनसे CAA पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अध्ययन की संस्था में अध्ययन की बात हो, हर समय राजनीति नहीं होना चाहिए। बड़ी थैंक यू एंड गुड नाइट। खुशी है और मैं अपना मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि दिल्ली कॉलेज में सिंधिया पवेलियन लोकार्पण आज किया गया है। जो पवेलियन 1910 में मेरे परदादा के द्वारा स्थापित किया गया था, महाराजा माधवराव सिंधिया के द्वारा स्थापित किया गया था, आज उसका जीर्णोद्धार होकर दोबारा उसका लोकार्पण किया गया है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि ग्राउंड दोबारा रीले किया गया है। टर्फ विकेट भी बहुत अच्छे से खेल रहा था और मुझे इस बात का विश्वास है कि इस ग्राउंड से अब उत्तम खिलाड़ी जरूर आगे आएंगे। और मैं दिल्ली कॉलेज को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, CAA पे जो कानून बनाया है उसे राज्य सरकार कृपा करके, मैं अध्ययन की संस्था में आया हूँ, जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। अध्ययन की संस्था में हम लोग अध्ययन की बात करें लेकिन राजनीति की बात न करें। हर समय हर संभव प्रश्न केवल राजनीति के साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।